हम जा रहे हैं कर रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 नैलेट एसटीए पेपर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 2017। ठीक है, हमने अभी तक कहाँ 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 तक हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31? इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड सो दैट ऑलवेज वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ओके, आपको एक वर्ड दिया गया है मैथमेटिक्स आपको एक वर्ड दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी वेज अगर वॉवेल्स हम इनको अरेंज करें, इनके अल्फाबेट्स को हम अरेंज करें जिससे कि जो वॉवेल्स कैरेक्टर इनमें यूज हुए हैं वो हमेशा क्या आए, साथ में आए, हमेशा कहाँ आए, साथ में आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या अप्रोच अपनाएंगे, देखिए अरेंज करने को कह रहा है, जब भी अरेंज करने की बात आएगी तो हम क्या करते हैं, परमिटेशन लगाते हैं। और इस परमिटेशन में इस क्वेश्चन में अब देखिए अल्फाबेट्स रिपीट भी हो रहे हैं, ए ए टी टी, ठीक है आपका, और क्या है यहाँ पे, और कोई है मैथमेटिक्स और कुछ है, चलिए देखते हैं आगे क्या है, ये क्या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वॉवेल्स जितने भी दिए गए हैं सबको एक साइड में लिख लेते हैं। देखिए ए है, ये एक वॉवेल है, आई एक वॉवेल है, ठीक है ई एक वॉवेल है, तो लिख लीजिए ए ई ए आई। ठीक है, हमने एक साइड में लिख लिया वॉवेल, अब हम बचे हुए कैरेक्टर्स को लिखेंगे, एम टी एच एम टी सी एस एम टी एच एम टी सी एस। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, जितने हमारे वॉवेल्स एक साइड में हैं उस पूरे वॉवेल्स को हम एक ग्रुप में, उसको एक अल्फाबेट एक ग्रुप में बना के उसको एक अल्फाबेट मानेंगे। ठीक है, एक ग्रुप में बना लेते हैं एक बॉक्स के अंदर और इसको मानेंगे कि ये हमारा अभी अभी इस समय एक अल्फाबेट की तरह हमारा काम करेगा। दो अल्फाबेट, तीन अल्फाबेट, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक है, अभी भूल जाइए कि यहाँ पे क्या है, बस इतना मानिए कि यहाँ पे कोई अल्फाबेट है जो कि एक है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए क्या क्या रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है यहाँ पे दो बार, ये एम इससे रिपीट हो रहा है, ये टी इससे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीटेशन में कितने अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, एक अल्फाबेट एम टी दूसरा अल्फाबेट, कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, दो टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो करना क्या है, अभी हमने माना था कि ये हमारा एक अल्फाबेट है। ठीक है, तो करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट अल्फाबेट्स हैं, एट लिख लेते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे थे, दो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, कितने बार, टू टाइम्स बार। ठीक है, तो m दो बार हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल m के लिए, t दो बार हो रहा है तो t का फैक्टोरियल t के लिए, दो बार रिपीट हो रहा है ना t, तो उसके लिए दो बार फैक्टोरियल। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए कितने इस ग्रुप के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, चार हैं, क्योंकि ये भी तो अरेंज होंगे अपने में, तो हमेशा एक बार अरेंज, जब इसी ग्रुप के अंदर अरेंज होंगे तो उनकी भी तो परमिटेशन निकलेगी। ठीक है, तभी ना वो एक साथ रहेंगे हमेशा, इसी वजह से अलग से उनका हम यहाँ पे निकालेंगे। अब क्या होगा उसमें, 1 2 3 4 फोर है फैक्टोरियल। ठीक, डिवाइड करेंगे किससे ए से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ए दो टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, टू टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब मैं इसको क्या करूँगा, अभी मैं इसे क्या करूँगा, कैलकुलेट, चलिए 8 का अगर मैं फैक्टोरियल निकालता हूँ तो क्या आएगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 3 × 4 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 × 2 × 2। ठीक, मल्टीप्लाई 4 × 3 × 2 × 1 / 2 × 1। ठीक, ये से ये कट गया। ठीक है, उसके बाद ये 1 रहेगा, यह से ये कट गया। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा आपका, 2 से 4 2 कर लिया। ठीक है, अब सभी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए यहाँ 4 × 3 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर का कर लेते हैं, चलिए
थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स इंटू फाइव, सिक्स इंटू फाइव थर्टी, थर्टी इंटू सिक्स, थर्टी इंटू, थर्टी इंटू सिक्स कितना हो गया 180, 180 इंटू सेवन, 180 इंटू सेवन कितना हो जाएगा 18 इंटू सेवन कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू सिक्स सिक्स, कैरी बचेगा 5, ये कितना हो जाएगा 2 0। ठीक, अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 इंटू सिक्स क्या हो गया 48, 8 कैरी 4 20, 0 कैरी 2 10, 0 लगा देंगे हो गया, ये आपका इतना आ जाएगा 10080 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, मल्टीप्लाई 12। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 प्लस 2। ठीक है, इसे करूँगा तो क्या आएगा 100 800 0, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 0, यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, फिर 0 यहाँ आ जाएगा 2। ठीक ठीक है, चलिए ऐड कर लीजिए 00 कैंसिल, 006 कैंसिल, 6 8 1 9, 00 02 2 1 1 क्या आ गया आपका 120960। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, क्या है उसका आंसर 120960। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ओके, अब आए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर करने, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32, इरविन सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। इरविन कोई पर्सन है जो कि एक बुक को सोल्ड करता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% प्रॉफिट पे। इफ इरविन हैड सोल्ड इट फॉर 18 मोर, अगर इरविन जो जितने भी रुपए में वो अपना बेचा होगा किताब को, अगर वो 18 रुपये ज़्यादा बेचता, 18 रुपये जितना भी बेचा है उससे 18 रुपये अगर ज़्यादा बेचता, तो देन 18% वुड बी हैव बिन गेन्ड, तो वो 18% ज़्यादा गेन करता। ठीक है, वो 12% से 18% गेन करता। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, तो मुझे करना है क्या, उसका CP फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इरविन है, इरविन क्या करता है अपना किसी प्रोडक्ट को 12% प्रॉफिट पे सोल्ड कर देता है, और ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर इरविन उसे 18 रुपीस एक्स्ट्रा करके सोल्ड करता, तो जहां वो 12% कमा रहा, 12% प्रॉफिट कर रहा था, वो कितना प्रॉफिट करता 18%। यानी कि अगर वो 18+ रुपीस करता, 18+ करता, तो कितना प्रॉफिट कमाता 18%। यानी कि 12% से कितना कमाने लगता 18%। ठीक है, तो देखिए और कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कम होता 18 रुपीस, और परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है 6%। ठीक है, यानी कि 6% इंक्रीज होता और पैसा कितना इंक्रीज हो रहा है 18, यानी कि 6% बराबर 18 रुपीस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1% बराबर 3 रुपीस है ना, 1% बराबर 6 3 रुपीस, तो 100% बराबर 300 रुपीस। ठीक है, हो गया ये आपका आंसर, क्योंकि 100% ही होगा हमारा CP है ना, 100% CP होगा तभी वो 12% पर लगा के बेच पाएगा, 100% CP होता है। तो क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी 300। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ऋषि गॉट 2 हॉल्स इन हिज हाउस पेंटेड, ऋषि गॉट 2 हॉल्स इन हिज हाउस पेंटेड, इट कॉस्ट हिम 6000 रुपीज एंड 6000 10 100 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ऋषि के पास 2 हॉल हैं उसके घर में, और उसको उन हॉलों को पेंट कराने के लिए, उन हॉलों को पेंट कराने के लिए उसको एक हॉल को पेंट कराने के लिए लगता है 6000। ठीक है, और दूसरे हॉल को पेंट कराने के लिए लगता है 6100। ऋषि हैं, ठीक है, ऋषि को, ऋषि के होम पे, दो होम में 2 हॉल हैं, हॉल 1 हॉल 2।
ठीक। अच्छा, इस हॉल को पेंट कराने के लिए, एक हॉल को पेंट कराने के लिए कितना रुपया लगता है? 6000। और दूसरे हॉल को पेंट कराने के लिए कितना रुपया लगता है? 6100। ठीक है, एक हॉल को पेंट कराने के लिए 6000, दूसरे हॉल को पेंट कराने के लिए 6100। अच्छा, आगे पढ़ते हैं क्या है। रिस्पेक्टली, टू पेंट द फोर वॉल ऑफ हिज टू स्क्वायर हॉल्स ऑफ सेम हाइट। चार वॉल, दो स्क्वायर हॉल्स को पेंट कराने के लिए जो जिनकी हाइट सेम है, हाइट जो हॉल है उनकी हाइट क्या है सेम है। ठीक है, मान लो अगर इसकी हाइट क्या है, एच है, तो इसकी हाइट भी क्या है, एच है। ठीक है, अच्छा, और आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोला जा रहा है कि कितने वॉल्स हैं, चार वॉल्स हैं, दोनों में क्या है, चार वॉल्स हैं। तो चलिए, चार वॉल्स हैं, इसमें भी चार वॉल हैं, ठीक है, इधर भी फोर वॉल्स हैं। ठीक, अच्छा, आगे क्या बोला जा रहा है कि सेम हाइट है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ वन हॉल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ अदर बाय वन मीटर। एक हॉल की जो लेंथ है, ठीक है, हाइट तो बता दिया कि दोनों की सेम है, लेकिन जो एक हॉल की जो लेंथ है वो दूसरे वाले के लेंथ से कितने ज़्यादा है, एक मीटर एक्सीड, मतलब एक मीटर ज़्यादा है। अब देखिए, इसका पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो ऑफकोर्स सीधी सिंपल सी बात है, इसमें पैसा कम लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ जो होगी वो एक मीटर ज़्यादा होगी। किसमें? इसकी लेंथ एक मीटर इस वाले से ज़्यादा होगी। क्यों? इसमें पैसा ज़्यादा भी तो लग रहा है, इसीलिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एरिया होगा, जो स्क्वायर का, जो हॉल का एरिया होगा, जिसे हम स्क्वायर बोल रहे हैं, उससे एक मीटर ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ क्या हो रही है, एक मीटर ज़्यादा हो रही है इस वाले हॉल की। ठीक है, और इस वाले हॉल की क्या हो रही है, लेंथ और हाइट, और हाइट दोनों की सेम है, लेंथ में क्या है, वन मीटर का डिफरेंस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेंथ इसकी और इसकी लेंथ कितनी होगी, प्लस वन होगी। ठीक है, फोर वॉल्स हैं, इसमें भी फोर वॉल्स हैं, तो जो भी एरिया निकलेगा उसे फोर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इसमें जो एरिया निकलेगा उसे भी फोर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, इससे क्या निकलेगा, इससे मुझे पूरे फोर वॉल्स का एरिया मिल जाएगा, इसमें भी पूरे फोर वॉल्स का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, आगे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5 per square meter, मतलब पाँच रुपये लग रहे हैं पर स्क्वायर मीटर के। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब देखिए, इससे क्या पता चल रहा है, पता चलेगा पूरा एरिया, उस एरिया को पेंट कराने के लिए पूरा पैसा कितना लग रहा है, 6000। यानी कि 4 into L into H = 6000। ठीक है, 6000 रुपये लग रहे हैं उसमें। और ये क्या बता रहा है, फाइव रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये टोटल बराबर होगा किसके, 6000 रुपीज़ के, क्योंकि जितना एरिया आएगा उसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो 6000 के होगा ही। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पे अगर मैं करूँ कि 5 रुपीज़ यहाँ पे भी होगा, 5 into 4 walls into height into जितना लेंथ एक्सीड कर रहा है, 1 meter एक्सीड कर रहा है। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये टोटल कितने रुपए बराबर होगा, 6100। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टू हॉल। अब यहाँ पे देखिए, हमको ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ठीक है, यहाँ से हाइट चाहिए। तो अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इससे काट दूँ, क्या मिलेगा, 1200। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि 1200 मिलने के बाद इससे फिर काट दें, क्या मिलेगा, 300। यानी कि L into H = 300। ठीक, अब इसको करते हैं, अगर मैं यहाँ पे टोटल कितना आएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको करूँगा तो क्या आएगा, 0, 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, H × L + 1 = 305। ठीक है,
अब हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब हमसे पूछा यही है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टू हॉल। अब ये दो लीनियर टू वेरिएबल के हमें लीनियर इक्वेशन मिल गए दो वेरिएबल के। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एल इज़ इक्वल टू 300 अपॉन एच, इसको एक बना लेते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। एल की वैल्यू एच मल्टीप्लाई, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमारी 300 अपॉन एच प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 305। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक एच आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 300 प्लस एच इज इक्वल टू 305। एच इज इक्वल टू इधर चला जाएगा 300, इधर चला जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 5, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, ठीक है। तो ये है आपका आंसर 5 मीटर, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, अली इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बिरजू एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डे लेस देन बिरजू। इफ बोथ अली एंड बिरजू वर्क टुगेदर दे कैन डू इट इन, अच्छा आपसे बोला गया है कि एक अली है, अली नाम का एक पर्सन है जो कि 3 गुना क्या है, अच्छा है एज अ वर्कमैन बिरजू, कोई वर्कमैन है बिरजू उससे कितना गुना अच्छा है, 3 टाइम्स बिरजू से अच्छा है। यानी कि बिरजू कुछ है कोई मतलब कुछ होंगे, किसी तरीके से काम करते होंगे, मतलब जितना भी वो काम करते हैं उनसे 3 गुना बेटर वर्क करते हैं कौन, अली, ठीक। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इनको अली को ए लिख लूँ, ठीक है, और इनको 3 लिख लूँ और बिरजू को बी लिख के मैं नीचे कर लूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू रेशियो में बना लिया मैंने 3:1, बी का रेशियो हो गया 1 और ए का रेशियो क्या हो गया 3, यह मुझको मिल गई इन दोनों की इफ़िशेंसी, ठीक है। यानी कि ए होगा वो 3 गुना हो रहा है काम कर ले रहे हैं बिरजू से, ठीक है, और बी 1 टाइम। अच्छा, अब बोला क्या जा रहा है कि जब बोला ये जा रहा है कि अली जो हैं वो 3 टाइम्स मतलब उनसे 60 कोई काम, अली जो हैं कोई काम को बिरजू से 60 दिन कम समय लेकर पूरा कर देते हैं। यानी कि दोनों के बीच की जो इफ़िशेंसी है, कोई काम मिल रहा है इन दोनों को, ये दोनों के बीच में कितना कितना इफिशेंसी का टाइम हो रहा है, कितना इफिशेंसी में रेशियो में कितना डिफरेंस हो रहा है, 2 का, हाँ। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि वो जो अली हैं बिरजू से 60 दिन कम समय लेते हैं, यानी कि जो इनकी इफिशियंसी में डिफरेंस हो रहा है वही तो वो 60 दिन है, तभी ना वो ज़्यादा काम कर ले रहे हैं, ज़्यादा जल्दी काम कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी इफिशियंसी काम करने की ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 60 डेज लेस बिरजू से, यानी कि 60 दिन वो जल्दी कर ले रहे हैं, यानी कि उनकी इफिशियंसी भी कितनी ज़्यादा है, 2:2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 60 दिन, यानी कि 2:2 वो बराबर हो रहा है कितने, 60 दिन के, क्यों, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है बिरजू से कितना है, 3 गुना ज़्यादा है, उनका 1 था उनका 3 था, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 2 का, और डेज में हमको कितना दिया है, 60 दिन, 60 दिन लेस, यानी कि इफिशेंसी के 2 और जो 60 दिन उन्होंने जल्दी काम कर दे रहे हैं वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि 1:60 के बराबर 60 होगा, 1:60 के बराबर 60 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बिरजू है अपनी इफिशेंसी लगा के कितना काम कर सकता है, 90, और अली और बिरजू कितना कर सकता है, 30, क्योंकि 1:60 की वैल्यू कितनी आई है, 30, और अली की कितनी आई है, 3:1 की 90। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो टोटल वर्क कितना आएगा, 90, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो टोटल वर्क कितना आएगा, 90। इस 90 को मैं अभी रख लेता हूँ कि हमें पता चल गया टोटल वर्क कितना है, 90। अब आपसे बोला जा रहा है अगर ये अली और बिरजू एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो इस वर्क को, ये 90 वर्क जो हमारा आया है, वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो इन दोनों की इफिशियंसी को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 4, और 4 को मैं 90 से डिवाइड कर दूं कितना आएगा, 22.5,
डेज, ठीक, यानी कि अली और बिरजू अगर एक साथ काम करेंगे तो वो जो 90 डेज, जो 90 वर्क आया है वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 22.5 डेज में, ठीक है। बस यहाँ पे एक छोटा सा ही ट्रिक था कि आप यहाँ से इफ़िशेंसी निकाल लीजिए, ठीक है, 3:1 में, उस इफ़िशेंसी से आप निकाल लीजिए दोनों के डिफरेंस, आपको दिया ही गया है क्वेश्चन में कि 60 डेज का है, क्योंकि अली जो है और बिरजू, बिरजू जितना भी काम टाइम लगाता है उससे अली जो है 60 दिन पहले कंप्लीट कर लेते हैं लेस, यानी कि पहले कर ले रहा है, तो और इन दोनों के बीच में एफिशिएंसी तो दो की है, और लेस करने पे 60 दिन की जो डेज का डिफरेंस है और एफिशिएंसी में दो का डिफरेंस है, दो और 60 को इक्वेट करके हम 1:30 का वन एफिशिएंसी मतलब 1:1 की वैल्यू निकाल लेंगे 30 में, ठीक है, यानी कि 1:1 बराबर कितना हो गया 30। अब इस वैल्यू से हम निकाल लेंगे वर्क, ठीक है, कितना वर्क कर रहे हैं बिरजू, बिरजू 30 और अली कितना कर दे रहे हैं 90, और 90 और 30 से एलसीएम लेके हम निकाल लेंगे टोटल वर्क कितना है 90, ठीक है। और जब 90 निकल गया और दोनों का काम कितना, एफिशिएंसी को ऐड करके मैं निकाल लूँगा 4, और 4 से डिवाइड कर दूंगा, 90 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, हमारा आ जाएगा 22.5 डेज, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ओके, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? अ कॉलेज क्रिकेट टीम विथ 11 प्लेयर कंसिस्ट ऑफ 4 बैट्समैन, 3 बॉलर्स, 3 ऑलराउंडर्स, 1 विकेट कीपर। ओके, एक कॉलेज क्रिकेट टीम है जिसमें 11 प्लेयर हैं, उसमें 4 बैट्समैन हैं, 3 बॉलर हैं, 3 ऑलराउंडर हैं, 1 विकेट कीपर है, ठीक। अच्छा, 3 प्लेयर आर सेलेक्टेड रैंडमली, 3 प्लेयरों को चूज किया जाता है रैंडमली, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट सेलेक्शन कंटेन्स अ बैट्समैन, अ बॉलर और अन ऑलराउंडर। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन की बात आ रही है, यानी कि को चूज़ किया जा रहा है, सेलेक्ट किया जा रहा है, तो जहाँ चूज और सिलेक्शन की बात आती है वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन, ठीक है, परमिटेशन नहीं, परमिटेशन का मतलब जब अरेंजमेंट की बात होगी तो परमिटेशन लगाएंगे, यहाँ पे चूज सिलेक्शन की बात आ रही है तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करेंगे इसे, कि चाहिए क्या क्या, चाहिए क्या क्या, एक बैट्समैन चाहिए, एक बॉलर चाहिए और एक ऑलराउंडर चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन का लग फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर, कैसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। इसका यूज़ करेंगे हम लोग, हमें क्या चाहिए, एक बैट्समैन चाहिए, बैट्समैन टोटल कितने हैं 4 बैट्समैन हैं, और कितना निकालना है, उन 4 में से एक चाहिए, अच्छा ठीक है। बॉलर कितने चाहिए, 3 में से एक चाहिए, 3 बॉलर हैं, उनमें से कितने बॉलर चाहिए, एक बॉलर चाहिए, ठीक है, अच्छा। फिर ऑलराउंडर कितने हैं, 3 ऑलराउंडर हैं, चाहिए कितने, उसमें से एक चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक बॉलर हो गया, एक बैट्समैन हो गया, एक ऑलराउंडर हो गया, और टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 3 में से, क्योंकि रैंडमली 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने में से, 11 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, किस में से, 11 में से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 11C3, ठीक है, 11C3, ठीक। कर लीजिए इसे कैलकुलेट, चलिए 4 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डिवाइड 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करिए, क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 2 3 3 2 3 अपॉन, अब इसको कर लेते हैं, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल का होगा वो 11 10 9 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर लेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 9 3 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका क्या हो जाएगा 5 ऊपर करेंगे तो क्या आएगा ऊपर करेंगे तो क्या आएगा ऊपर करेंगे तो आएगा हमारा 12 ठीक है ऊपर करेंगे तो आएगा 12 ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 3 पूरा हो गया ये हाँ 4 इंटू 3 12 12 इंटू 3 36 तो मैंने 3 लिख लिया है क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे अभी हम हाँ 11 इंटू 5 यानी कि 11 इंटू 5 इंटू
थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा 12/55, 12/55 आंसर आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी 12/55। चलिए क्वेश्चन करते हैं आप 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 के लॉगरिदम से रिलेटेड है। दिया क्या गया है कि इफ इफ लॉग बेस एक्स वाई इक्वल्स टू 100, लॉग बेस एक्स वाई इक्वल्स टू 100 एंड लॉग बेस 2x इज इक्वल टू 10 देन हमें y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, हमें y की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए log 2x इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, log 2x की वैल्यू क्या दी गई है? 10। हम इसको किस तरीके से ला सकते हैं? अगर मैं बेस की वैल्यू 2 है तो मैं अगर ऐसे कर दूं log 2 to the power 10 इज इक्वल टू 10, ये होगा, इसकी वैल्यू होगी 10, क्योंकि बेस और वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू 2 है इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो जो भी पावर वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होती है। ठीक है, वो इसके इक्वल होती है। अच्छा, एक फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है log ए बी इज इक्वल टू सी, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये कोई कांस्टेंट या कोई वैल्यू है। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग निकालेंगे कि b इज इक्वल टू a टू द पावर c। ठीक है, b इज इक्वल टू a टू द पावर c, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये याद रखिएगा। अब देखिए, हमको यहाँ से पता चल रहा है कि इससे हमको ये पता चला है यहाँ से, इस वाले से, कि हमारी x की वैल्यू क्या है? 2 टू द पावर 10 है। ठीक है, हमको वैल्यू क्या चाहिए? y की वैल्यू चाहिए, और ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? y को लिख देंगे यहीं पे। ठीक है, और जो यहाँ पर है वो इधर चला जाएगा x। ठीक है, और 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x के पावर में चली जाएगी। ठीक, अब आगे और फिर लिखेंगे तो क्या होगा? y इक्वल्स टू x टू द पावर 100, तो y को y रह देते हैं। x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आएगी 2 के पावर 10 ब्रैकेट 100। ठीक, अब इस 100 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2 के पावर 1000। ठीक है, 2 के पावर 1000 क्या है? आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा C। ठीक है, आपका ऑप्शन C होगा आंसर। बस यही है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका? माई फादर गिफ्टेड मी अ डिजिटल वॉच दैट रन्स फास्ट एट रेट ऑफ 15 सेकेंड पर आवर। जो क्वेश्चन ने दिया है कि मेरे जो पिता हैं उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया है? एक डिजिटल वॉच जो कि 50 सेकेंड पर आवर फास्ट भागती है, मतलब कि हर घंटे पर 15 सेकेंड वो तेज़ चलती है। ठीक है, इफ़ आई हैव सेट द वॉच करेक्टली एट 10 AM ऑन ट्यूसडे, अगर मैंने अपनी वॉच को अच्छी तरीके से टाइम को सेट करता हूँ मंगलवार को 10 बजे सुबह। ठीक है, वॉट विल बी द टाइम, क्या होगा टाइम शोन बाय वॉच एट 6 PM ऑन सैटरडे। तो अगर मैं मंगलवार को 10 बजे सुबह टाइम सेट करता हूँ तो सैटरडे को क्या टाइम हो रहा होगा 6 बजे उस वॉच के अंदर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, और हर घंटे पे क्या हो रहा है? 15 सेकेंड वो तेज़ भागती है घड़ी, तो ये भी हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो देखिए ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, 5 दिन, कब रखा था? 10 बजे। वेंसडे को यानी पूरे 24 घंटे चलती है घड़ी, यहाँ पे भी 24 घंटे चलती है, यहाँ पे भी 24 घंटे चलती है, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे कब तक चलेगी? 6 बजे शाम तक। यहाँ पे कब तक चलेगी? देखिए वेंसडे को चलेगी कितनी? 24 घंटे, थर्सडे को 24 घंटे, फ्राइडे को भी 24 घंटे। ठीक है, अच्छा थर्सडे को कितना चल रही है?
अगर सुबह 10 बजे चलती है, अगर सुबह 10 बजे चलती है और रात के पूरे 10 से 10 12, 12 2 14 घंटा, यानी कि 14 घंटा चलती है घड़ी मंगलवार के दिन, ठीक है। और सैटरडे को कब तक चलती है? अगर मैं 12 घंटे से स्टार्ट करूं, रात के 12 घंटे से स्टार्ट करूं, शाम के 6 बजे तक कितना हो गया? 18 घंटे, ठीक है। अच्छा 18 घंटे हो गया। अच्छा 1 घंटे के बराबर, 1 घंटे पर 15 सेकेंड एक्स्ट्रा चलती है, 1 घंटे पे 15 सेकेंड एक्स्ट्रा चलती है, ठीक है। 1 घंटे में 15 सेकेंड एक्स्ट्रा चलती है, तो इस अब ये बताइए कि अगर 1 घंटे में 15 सेकेंड एक्स्ट्रा चलती है तो 4 घंटे में, 4 घंटे में वो 1 मिनट चलेगी एक्स्ट्रा, हर 4 घंटे पे वो 1 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, तो 24 घंटे में कितना चलेगी? 24 घंटे में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 आवर का, 6 मिनट, यानी कि 24 घंटे में वो कब तक चलेगी? 6 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी। तो यानी कि वेंसडे को 6 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी वो, ठीक है, थर्सडे को 6 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, फ्राइडे को 6 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, ठीक। ये तीनों दिन 6-6 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है। अच्छा 14 घंटा 18 घंटा भी वो एक्स्ट्रा चलती है। अब देखिए 14 प्लस 18 कितना हो गया, 14 प्लस 18 कितना हो गया, 14 प्लस 18 आपका हो गया 32 घंटे, ठीक है। 14 प्लस 18 आपका कितना हो गया? 32 घंटे। अब इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड कर दूँ तो 24 घंटे प्लस 8 घंटे, तो 24 घंटे यहाँ से भी मिल जाएंगे हमको। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आ रहा है? 32 घंटे, 32 घंटे में 24 घंटे एक एक्स्ट्रा प्लस 8 घंटे, तो इस 24 घंटे का 6 मिनट, ठीक है। अब ये बच गया 8 घंटे, 1 घंटे में कितना चलती थी? 15 सेकेंड एक्स्ट्रा चलती थी, ठीक है, 1 घंटे में 15 सेकेंड चलती थी, 4 घंटे में 1 मिनट, यानी कि 4 घंटे में अगर 1 मिनट तो 8 घंटे में 2 मिनट, तो यानी कि इस 8 घंटे का 2 मिनट, सबको ऐड कर दीजिए कितना हुआ, 6 मिनट 2 मिनट, देखिए 6 6 6 6 4 24, ठीक है, 24 24 2 26 26 मिनट, यानी कि वो एक्स्ट्रा चलने लगी, ठीक है। अच्छा और बोला क्या है, 6 बजे शाम को सैटरडे को देख रहा है, सैटरडे को 6 बजे शाम में देख रहा है, ठीक है, तो 26 घंटे एक्स्ट्रा चलिए, तो इसमें 26 घंटे ऐड कर दीजिए, 26 मिनट, तो 6 26, 6 बज के 26 बज रहा होगा, यानी कि 6 बज के 26 मिनट हो रहे होंगे उसकी वॉच में, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है, 6 बज के 26 मिनट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये था क्वेश्चन नंबर 37 था, 38 पे चलते हैं, ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है, ठीक है। क्या दिया गया है कि आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल्स टू वन, ठीक है, ए एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल्स टू वन। एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, दूसरा इक्वेशन दिया गया है ए माइनस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 5 इज ए यूनिक सॉल्यूशन। बोल रहा है कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, किसी भी वैल्यू ए और बी के लिए, किसी भी वैल्यू ए और बी के लिए क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली व्हेन ए इक्वल्स टू बी, तभी जब ए की वैल्यू बी के बराबर हो, ऑप्शन सी, ओनली व्हेन ए स्क्वायर सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सच दैट 2, ऐसा हो, या ओनली व्हेन ए की वैल्यू 0 हो बी की वैल्यू 0 हो, ओनली ये जो कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन कब निकलेगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, कब निकलेगा, जब ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू हो, ये होता है कंडीशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन होने का, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होने का जब ये कंडीशन होता है तो हमें क्या यहाँ से मिलना चाहिए इस क्वेश्चन से, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए, ठीक है, आपको ये मिला है। अब मुझे बताइए, अगर ऑप्शन नंबर मैं 1 इस्तेमाल करूँ, ऑप्शन नंबर 1 इस्तेमाल करूँ नॉट इक्वल्स टू,
किसी भी सारे नंबर्स के लिए अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, वन ले लूँ, अगर मैं यहाँ वन लेता हूँ, ठीक है, वन लेता हूँ तो क्या आएगा, वन वन, अगर ज़ीरो, और किसी भी नंबर ज़ीरो के लिए भी होना चाहिए, ज़ीरो, जब फॉर ऑल लिखा है तो ज़ीरो के लिए भी होना चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो ये तो इन्फिनिटी हो गया, ज़ीरो माइनस ज़ीरो सब इन्फिनिटी, तो कभी मैच नहीं होगा, तो किसी ऑल नंबर के लिए तो कभी हो ही नहीं सकता, फॉर ऑल वैल्यूज़ नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है, किसी भी नंबर के लिए तो क्योंकि कोई भी नंबर ले लिया जाए तो ज़ीरो भी होना चाहिए, ज़ीरो तो नहीं हो रहा, अच्छा, ए की वैल्यू जब बराबर हो बी के, अगर मैं ए की वैल्यू बराबर ले लूँ बी के, यानी कि अगर मैं ए की वैल्यू टू ले लूँ, बी की वैल्यू भी टू ले मतलब लेनी होगी क्योंकि इक्वल्स टू है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू टू लिखता हूँ तो ए माइनस बी यानी कि ज़ीरो, अब तो ये इन्फिनिटी चला गया, हाँ इन्फिनिटी हो गया, ये भी नहीं पॉसिबल होगा, फोर 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 अपॉन टू, वन बाई टू, ये इन्फिनिटी चला गया, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, अच्छा अब क्या है ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी देखिए ज़ीरो ज़ीरो है, वो भी नहीं होगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा दोनों साइड, अगर मैं यहाँ पे इस पे जगह पुट करके देखूँ तो वो भी नहीं होगा, अब देखिए, अब अगर मैं ए माइनस बी में और ए माइनस बी में और क्या है ए अपॉन ए वन सेकेंड ए अपॉन ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए, अब इसी में मैं अगर ज़ीरो ज़ीरो रखूँ ऑप्शन नंबर डी वो भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, अगर मैं यहाँ पे यही ऑप्शन नंबर सी रखूँ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू, यानी कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट वन अंडर रूट टू यानी कि वन बाई अंडर रूट टू, ठीक है, अब मैं ये रखूँ वन माइनस अंडर रूट टू इज नॉट इक्वल्स टू वन प्लस अंडर रूट टू अपॉन वन, ठीक है, हाँ ये कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हमारा ऑप्शन नंबर सी देगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, ओके, क्वेश्चन नंबर 39, आफ्टर प्राइस ऑफ एप्पल रिड्यूस इट एनेबल्स अ पर्सन टू परचेज 3 एप्पल फॉर 1 रुपी इंस्टीड ऑफ रुपी 1.25, व्हाट इज द परसेंट रिडक्शन इन द प्राइस, ओके, देखिए एप्पल जो है सेब के दाम रिड्यूस होने के बाद एक पर्सन योग्य हो जाता है 3 एक्स्ट्रा एप्पल खरीदने के, ठीक है, अच्छा पहले क्या था 1.25 रुपीस का था और अब क्या है 1 रुपीस का है, पहले कितना था, पहले था 1.25 का, अब कितने का है 1 रुपीस का, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 0.25 का, ठीक है, और था कितना पहले 1.25, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए 1.25 अपॉन 1.25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, इससे इससे कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 5 से 100 कैंसिल हो गया, 20% कितना रिडक्शन हुआ 20% का आंसर, हाँ क्या हो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है ए, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल मिल जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा और कुछ ट्रिकी होंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 में अन आवर आफ्टर एक घंटे बाद ऐश्वर्या स्टार्टेड फ्रॉम हर कॉलेज टुवर्ड्स अनन्या होम, एक घंटे बाद ऐश्वर्या जो है स्टार्टेड फ्रॉम कॉलेज, मतलब ऐश्वर्या कॉलेज से स्टार्ट करती है चला अनन्या के घर की तरफ, ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है अ डिस्टेंस ऑफ 53 किलोमीटर, एक डिस्टेंस है 53 किलोमीटर की, ठीक है, अनन्या स्टार्टेड फ्रॉम हर होम ऑन सेम रोड टुवर्ड्स ऐश्वर्याज कॉलेज, ओके अनन्या भी स्टार्ट करती है अपने घर से कॉलेज ऐश्वर्या के कॉलेज की तरफ, ठीक है, उसी रोड पे, ठीक है, ऐश्वर्या की तरफ, ठीक, अच्छा
क्या होता है, इफ ऐश्वर्याज स्पीड इज वॉज 4 किलोमीटर पर आवर, अगर ऐश्वर्या की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, इफ एंड अनन्याज वॉज 3 किलोमीटर पर आवर, और अनन्या की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है, हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम अनन्या होम डिड द टू मीट्स, अनन्या के घर से दोनों कितनी दूर पे मिलेंगे, अनन्या के घर से ठीक है, दोनों यानी कि ऐश्वर्या और अनन्या कितनी दूरी पे अनन्या के घर से मीट करेंगे, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है, हमको ये बताना है कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी जहाँ पे वो मीट करेंगे, कहाँ से, अनन्या के घर से। चलिए अब मान लीजिए एक घंटे बाद ऐश्वर्या कॉलेज से देखिए 53 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्वेश्चन बोला गया है 53 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, एक घंटे बाद ऐश्वर्या कॉलेज से, यानी कि एक घंटे बाद वो कॉलेज से चली है, आफ्टर वन आवर ऐश्वर्या स्टार्टेड फ्रॉम हर कॉलेज टुवार्ड्स अनन्या, मतलब कि एक घंटा ऐश्वर्या चली है, एक घंटे बाद यहाँ पे उसका कॉलेज है, ठीक है, और वो कहाँ चली है, फिर एक घंटे के बाद चली है अनन्या के घर, और यह है अनन्या का घर यहाँ, ठीक है, अनन्याज होम यहाँ पे, ठीक है, एक घंटे बाद, या और ऐश्वर्या की स्पीड कितनी बताई जा रही है, स्पीड ऑफ ऐश कितना बताया जा रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 किलोमीटर में वो 4 घंटा चल जा रही है, 4 किलोमीटर चलती है 1 घंटा में, यानी कि जो 1 घंटा जो कॉलेज के पहले वो चली है, आफ्टर वन आवर कॉलेज से चल रही है, यानी कि 1 घंटा पहले चली है, यानी कि 4 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, 4 किलोमीटर वो चल चुकी है ऐश्वर्या, ठीक है, और 53 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर 4 किलोमीटर चल चुकी है तो कॉलेज से अनन्या की दूरी कितनी होगी, अगर एक 53 किलोमीटर का पूरा रनवे है तो 53 में से 4 किलोमीटर चल चुकी है तो कॉलेज से अनन्या की दूरी कितनी हुई, 49 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए अनन्या भी चलती है कहाँ, टुवर्ड्स कॉलेज ऑफ ऐश्वर्याज, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी दी गई है अनन्या की, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा देखिए जब ऐश्वर्या इस साइड आ रही है और अनन्या भी इस साइड आ रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, मैच, ठीक है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे से ऐड हो जाएगी, तो ऐश्वर्या की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर, ठीक है, और अनन्या की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा 7 किलोमीटर पर आवर ये आ गई दोनों की स्पीड, ठीक। अच्छा कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 49 किलोमीटर और दोनों की स्पीड कितनी थी 7 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों को मैं काट दूं कितना आएगा 7, यानी कि 7 घंटे में वो दोनों कहीं पर, 7 घंटे जब भी होंगे वो कहीं पे मीट करेंगी, ठीक है, कहीं पे मीट करेंगी, यानी कि 7 घंटे अनन्या यहाँ से यहाँ चलेगी और ये यहाँ से यहाँ चलेगी, तभी ना वो दोनों जाके एक दूसरे से मीट करेंगे 7 घंटे बाद। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अनन्या 7 घंटे चल गई है ना, 7 घंटे बाद जब दोनों मिल रहे हैं, अनन्या तो शुरुआत से ही अपने घर से चली थी यानी कि वो 7 घंटे चल दी, ठीक है, और ये भी कॉलेज से चली यहाँ पे तो ये भी 7 घंटे चल गई, अब 7 घंटे बाद अनन्या की जो स्पीड होगी वही तो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वही तो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ पे मीटिंग पॉइंट की, तो अनन्या की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर और कितना टाइम लगा रही थी 7 घंटे, यानी कि 3 × 7 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिस्टेंस पता चल जाएगा 21, डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा 27 कितना था, किलोमीटर में था ना, 21 किलोमीटर, आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, 21 किलोमीटर आपका आंसर होगा।